नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव उत्तराखंड में। मैं हूं श्वेता वर्मा। एक गवर्नर ने पद छोड़ने से पहले विभिन्न मामलों में 428 लोगों को माफी दे दी। ये मामला अमेरिका के केंटकी का है। केंटकी के पूर्व गवर्नर मैट बेविन ने पद छोड़ने से पहले ठीक 6 हफ्तों में जिन लोगों की माफी को मंजूरी दी उनमें रेप और हत्या जैसे मामलों के दोषी भी शामिल थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ने हत्या के लिए दोषी करार दी उस शख्स को भी माफी दे दी जिसके भाई ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया था। बीते महीने ही रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर मैट बेविन डेमोक्रेटिक पार्टी के एंडी ब्रेशर से चुनाव हार गए थे। 5 नवंबर को अमेरिका के केंटकी में चुनाव हुआ था और गवर्नर ने हार के बाद इसी महीने पद छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के एक मामले में पैट्रिक ब्रियान बेकर को दोषी ठहराया जा चुका था। उसे 19 साल जेल की सजा दी गई थी। उसे सजा काटे 2 साल ही हुए थे। बेकर के परिवार ने पिछले साल गवर्नर बेविन के कैंपेन के लिए 15 लाख से अधिक रुपए जमा किए थे। 9 साल की लड़की से रेप के दोषी एक शख्स को भी माफी दे दी गई। गवर्नर ने बेकर की सजा माफ करने को लेकर कहा है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन जज डेविड विलियम्स ने इससे असहमति जताई है। जज का कहना है कि 30 साल की सर्विस में उन्होंने इससे दमदार केस नहीं देखा, सबूत काफी अधिक थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।